हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आपके साथ में कर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है खैरियत, एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग था छिछोरे मूवी का। एग्जैक्टली तो उसमें शिरले सेठिया ने उसको ट्रिब्यूट पेश किया है सुशांत सिंह को। एग्जैक्टली, तो आज हम देखते हैं उस गाने को, एक रिवाइव करते हैं दोबारा। और डोंट फॉरगेट वी विल बी लाइव एट 8:30 PM बिकॉज़ इट फ्राइडे। ओके, सो लेट्स सी द वीडियो। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसम ना अंजाम है मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओके, दिस वाज द बेस्ट सॉन्ग। उस पर जो भी पिक्चराइज्ड हुए हैं जितने भी, उनमें से ये सबसे अच्छा सॉन्ग, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। सॉन्ग तो अपनी जगह पिछले इतने 9-10 महीने पहले आया था, इतना टाइम हो गया तो वो तो तब से चल ही रहा है गाना, तो वो तो बहुत अच्छा था। बट अभी जो उन्होंने ये जिस तरह से गाया, ये ऑब्वियसली ये किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से गाया, किसी और पता चल रहा था, मतलब बड़े सैड मूड में, मतलब वो बिल्कुल वो अभी सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में ये गाना उस हिसाब से गाया गया है। बट इट वाज अ ट्रिब्यूट टू सुशांत। बट अभी मतलब जब भी वो बार बार बात, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें रिपीट होती है, तो फिर वही बातें जो पहले बहुत बार कर चुके हैं, वही बातें दोबारा रिपीट होती हैं। मतलब क्योंकि ये बहुत, this should not have happened, और बहुत बड़ा झटका है ना सबके लिए, इसीलिए सबकी सिचुएशन अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, सबकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, और वो हर इंसान अपनी तरीके से एक ट्रिब्यूट दे रहा है और अपने तरीके से उसको चल रहा है। इतना बड़ा एक, मैं इसको क्या कहूँ, इवेंट कहूँ क्या कहूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा हैं कि हमने सुशांत के जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई उसके बाद से अब तक
दो तीन ऐसी सैड न्यूज आ चुकी है, मतलब वो एक फैन की मैंने सुना था, एक लड़की फैन, हाँ। दो फैन मैंने दो का सुना है, फिर उनकी जो सिस्टर इन लॉ की न्यूज, मतलब ये सारा कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता जा रहा है कि रुक नहीं रहा, ये प्रॉब्लम ही है। एग्जैक्टली ये जो बात थी वो जो उनके फैंस की न्यूज, जैसे आप दो बोल रहे, मैंने एक का सुना था पहले, अगर ये वाली सिचुएशन, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब इसका मतलब है कि उस न्यूज को लेके मतलब जब लोगों तक पहुंचाया गया है तो लोगों को उतने अच्छे से शायद नहीं पहुंचाया गया कि उसके इस तरह से इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो मतलब थोड़ा सा एज ए सोसाइटी, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो चुकी है, बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो चुका है, अब उसको लेके फर्दर अगर इस तरह के आगे इंसिडेंट होते हैं तो मेरे हाल से लोगों को मजीद अवेयरनेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए कभी भी, इस पर सीरियस काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है कि ये सोसाइटी से ये चीज रिमूव की जा सके। एग्जैक्टली, और अभी मैंने सुना है कि उनकी डेथ को लेके वो भी कुछ चल रहा है, उनके डिटेल्स इंक्वायरीज वगैरह भी आए, क्योंकि उसमें भी पोस्टमार्टम और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि डिटेल में उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इन डेप्थ डिटेल में, ये हमने स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए और रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि एक इस तरह की पर्सनैलिटी वाले बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँचे, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट ना हो पाए। तो वी होप के अल्टीमेटली जो भी इस इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे या तो एटलीस्ट इन फ्यूचर, और यहाँ भी जो पूरा सिनेरियो चल भी रहा है, मतलब काफ़ी लोगों, कुछ लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है, या जो भी सिनेरियो चल रहा है, एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी हो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट ना हो पाए। तो ये सॉन्ग जो था शिरले ने बहुत अच्छे से गाया, बहुत मजा आया इसको सुनकर, प्रोफेशनल सिंगर, मैंने पहले कभी नहीं देखा, काफी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं इन्होंने शिरले ने, तो She is very cute और आवाज भी बहुत अच्छी है। तो गाना पसंद आया, ये इनकी एफर्ट पसंद आई, तो वीडियो पे लाइक जरूर करें, और कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट करके बताएं, कोई वीडियो आप चाहते हैं देखें तो उसका लिंक दे दें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।